और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 लोगों को अरेस्ट कर पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से हुई लूट का खुलासा किया है। पकड़े गए बदमाशों ने लूट की अन्य घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। पुलिस ने इनके पास से नकदी के साथ ही लूटे गए बैग, वारदात को अंजाम देने में प्रयुक्त बाइक, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। ये था मामला। बुधवार को मामले की जानकारी देते हुए SSP मथुरा बबलू कुमार ने बताया कि 12 सितंबर को जनपद के थाना महावन क्षेत्र में एक माइक्रो फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना हुई थी। इसी के खुलासे के लिए पुलिस की क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम और सर्विलांस टीम जुटी थी। बुधवार तड़के करीब 4 बजे थाना महावन पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर टीम ने 3 लोगों बंटू उर्फ ब्रजेश, राजपाल और तेजपाल को हिरासत में ले लिया, जबकि इनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागन में सफल रहा। पुलिस ने पकड़े गए तीनों बदमाशों से पूछताछ की तो तीनों ने फाइनेंस कर्मी से हुई लूट के अलावा लूट और छिनैती की अन्य घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली और अपने फरार साथी का नाम सोनू बताया। पकड़े गए तीनों बदमाशों की तलाशी के दौरान पुलिस ने इनके पास से लूट की रकम में से 55,000 की नकदी, लूट की घटना में प्रयुक्त बाइक, लूटे गए बैग, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। देखिए, विगत 12 सितंबर को महावन क्षेत्र में एक फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनी होती है, उसके कलेक्शन एजेंट से एक लूट की घटना हुई थी और उसी क्रम में हमारी सर्विलांस टीम और क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम को हमने लगाया हुआ था। आज हमारी क्राइम सर्विलांस टीम को और थाना महावन की टीम को उस घटना को वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त हुई है। उस गैंग के 4 सदस्यों में से 3 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उनके पास से जो मोटरसाइकिल घटना में प्रयुक्त की गई थी, वो जो बैग लूटे गए थे वो, और 55,000 रुपये जो है वो बरामद करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। पूछताछ में जो उनका चौथा साथी फरार है, वो भी परकम गांव का है, उसकी गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य जो है, जैसे फरह की एक लूट की घटना, वृंदावन की एक लूट की घटना और रिफाइनरी की एक छिनैती, इसको भी स्वीकार किया गया है। सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। टीम ने एक वैसे गिरोह को जो बेसिकली लूट में पहले जेल नहीं गए हैं परंतु मर्डर के केसेस में जेल गए हैं, उन गिरोह को अनर्थ करने में सफलता मिली है, जिससे कि हमें बेशक घटनाओं में कमी आई।